आज का क्लास हमारा है क्लास 12th के लिए। वो सब्जेक्ट जो है जियोलॉजी है। टॉपिक जो हमारा है आज ऑर्नामेंटेशन एंड स्ट्रेटिग्राफिकल रेंज ऑफ शेलब्रिज प्रोडक्ट। इससे पहले हमने डिस्कस किया है व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द शेल ब्रैचियोपोडा फॉसिल जो है, इसकी हमने मॉर्फोलॉजी प्रीवियस क्लास में जो हमने क्लियर किया है। इस पे हमें पता है जो फाइलम इसका ब्रैचियोपोडा क्लास आर्टिकुलेटा और इनआर्टिकुलेटा। दिस शेल ऑफ ब्रैचियोपोडा इज कंपोज्ड ऑफ कैल्केरियस मटेरियल। दिस इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस शेल इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस मटेरियल और चिटिनियस मटेरियल means which is made up of calcium carbonate। shell जो हमारा बना हुआ है calcium carbonate का बना हुआ है, इसका जो material इस्तेमाल हुआ है इसमें, ये जो जानवर है अपने ऊपर जो ये shell बनाता है sea में oceans में calcium carbonate material को liquid material को suck करके फिर इसमें ऊपर से अपने आप को ये शेल बनाता है। शेल इज ऑर्नामेंटेड विद फीबल एंड स्ट्रॉन्ग रेडिएटिंग रिब्स आर कंसेंट्रिक स्ट्राइज। दीज आर रेडिएटिंग रिब्स आर कंसेंट्रिक स्ट्राइज। दिस इज द ऑर्नामेंटेशन ऑफ द शेल। इस शेल में ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको इस आकार से बनाता है कि इसमें ग्रिड्स जैसे बनते हैं, शेल में ग्रिड टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है। ऑर्नामेंटेशन ऊपर की जो सतह की जो लेवल जो होती है इसकी, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर शेप और टेक्सचर बनाता है अपने ऊपर। जैसे यहाँ पे भी देखा होगा आपने इस तरह के ग्रोथ लाइंस है इस पे, जो डिफरेंट डिजाइन देता है शेल का। ये जो रिब्स या स्ट्राइज जो होते हैं कभी कभी कमजोर भी होते हैं, कभी स्ट्रांग भी होते हैं। शेल समटाइम्स पोजेस स्मॉल लार्ज स्पाइन्स और नॉब्स। कभी कभी इस शेल्स को छोटे छोटे स्मॉलर या लार्जर नॉब्स होते हैं। इस तरह के नॉब्स जो होते हैं कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं नॉब्स स्पाइन्स। शेल हैड लो मेटाबॉलिक रेट्स एंड वीक रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस शेल in which an organism lives before dying, the organism shows low metabolic rates and weak respiratory system. As per the study of this shell, इसमें जो organism रहता था इससे पहले वो as per the study वो low metabolic rates और weak respiratory system से मुंसलिक था। देयर इज अ डिप्रेशन और सिनस। जैसे जब ये शेल बनता है जस्ट लाइक दिस ऑन वन साइड, इसमें एक जो ये डिप्रेशन सी होती है या जिसको हम सिनस कहते हैं, शेल के बीच में एक डिप्रेशन होती है या जिसको हम सिनस भी कहते हैं, सिनस। No doubt, and on the ventral valve में होता है। जब बात करेंगे dorsal valve की, वहां एक इसी shell में ridge होता है, ridge just like this, just like ridge, just like this। So वहां पे ridge था और यहां पे जो है depression सी थी, यहाँ पे एक रिज सा है जिससे जो कॉरस्पॉन्डिंग सॉकेट होता है, एक साइड में रिज होता है और एक दूसरे साइड में डिप्रेशन होती है शेल की, और दैट इज वाई दे आर कनेक्टेड बाय लाइन ही लाइन। जो ये एनिमल होता है इसमें इट ऑलवेज प्रेफर टू लिव इन कोल्ड वाटर एंड लो लाइट। So this was about the ornamentation. So when we talk of stratigraphical range,
Regipodas are, these are the marine animals, most extinct but still alive today. ये animals जो marine animals होते हैं, इनमें most जो ज्यादातर है वो extinct हो चुके हैं, but still some are alive today. Example है Sitiate fossil of Kentucky जो है USA की, वहां का जो Sitiate fossil है Brachypoda, और ये तकरीबन दुनिया के तमाम हिस्सों में पाया जाता है. ये Brachypoda हमारा जो आज का है टॉपिक. ये Brachypoda टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है या शेल्स जो होते हैं, इनके जो हम फाउंड करते हैं पहले, जिनको हम देखते हैं या जो हम पाते हैं या जो पाए जाते हैं मुल्क के हर हिस्से में, इन शेल्स की बुनियाद पे हम ये हिस्ट्री दे रहे हैं, या स्ट्रेटिग्राफिक जिसको हम कहते हैं जियोलॉजी में, स्ट्रेटिग्राफिकल ब्रांच जो है हिस्ट्री, डिफरेंट इवेंट्स, जियोलॉजिकल इवेंट्स जिसमें फॉसिल्स भी है, जहां जहां पे एज पर द स्ट्रेटिग्राफिकल सर्वे, ये जो हमारे शेल्स है जहां जहां पे भी वर्ल्ड में है, वहां पे जियोलॉजिस्ट ने इनकी हिस्ट्री जो है वो नो डाउन की है. उसी बुनियाद पे ये जो Brachypoda है, ये चीज क्लियर किया गया है, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट हैज बीन ऑब्जर्वड दैट द Sitiate fossil ऑफ Kentucky विच इज इन USA, द Sitiate fossil ऑफ Kentucky इज Brachypoda. दिस Brachypoda shell prefers to live in shallow water, almost they live in shallow water and remain fixed to the ocean bottoms. They are largely found in brackish water of estuaries. Estuaries के जो brackish type का water जो होता है उसी में बड़े तादाद में ये पाए जाते हैं. जैसे मैंने कहा है ये ओशंस के जो बॉटम होते हैं, शैलो वाटर बॉटम्स जो होते हैं, उन पे फिक्स रहते हैं, इसी एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं. और डेवलपमेंट किस पीरियड में इन शैल्स की हो चुकी है, या इन ऑर्गेनिज्म का वजूद जो जिसमें डेवलपमेंट इनका हुआ है, ऑर्डोविशियन पीरियड, सैलोवियन एंड ड्यूवियन पीरियड्स, ये तीन पीरियड्स है जियोलॉजिकल पीरियड्स जिनमें इन शेल्स की डेवलपमेंट हो चुकी है. विद इन द रॉक्स ऑफ टेरेशरी एज के रॉक्स जो हमारे टेरेशरी पीरियड के, उन रॉक्स में इनकी डेवलपमेंट हो चुकी है. और उनका जवाल ट्रायसिक एक्सटिंक्शन जिसको हम कहते हैं, परमियन से लेके दो पीरियड जो परमियन और ट्रायसिक है, इन दो पीरियड्स में इनका एक्सटिंक्शन हुआ है. अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट मॉडर्न Brachypoda की, अगर जन साइज, अगर हम इसके साइज की बात करेंगे तो 100 मिलीमीटर्स लॉन्ग Brachypoda आर फाउंड इन द लार्जेस्ट मॉडर्न Brachypoda आर टू बी फाउंड ऑफ दिस लेंथ. Brachypoda जो है ये इन्वॉल्व हो चुके हैं तकरीबन टोमीटेड्स से, जिसको हम कैल्साइट कहते हैं, 540 मिलियन ईयर्स बिफोर 540 मिलियन ईयर्स बिफोर दे हैव बीन फाउंड. 540 मिलियन ईयर्स पहले, 540 मिलियन ईयर्स पहले ये जो Brachypoda है इनका जो वजूद है शुरू हुआ है. सो दिस, ये जो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटिग्राफी और हिस्ट्री जो इन Brachypoda की, सो दिस वाज अ सिंपल
इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द स्ट्रेटिग्राफिकल रेंज, जिसको हम कहते हैं ब्रांच पोडास का स्ट्रेटिग्राफिकल रेंज, और ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंटेशन जैसे किस तरह का शेल बना हुआ है, इसमें कौन कौन से फीचर्स है, किस तरह का जो आकार है, जैसे सिनस डिप्रेशन थोड़ी शेल में, कहीं स्पाइनस है शेल में, कहीं रेडिएटिंग रिब्स है, कहीं और ऐसा सजावट बना है जिनको हम ऑर्नामेंटेशन कहते हैं, या जिसको हम ये रेडिएटिंग रिब्स खूबसूरत होते हैं, या सह कंसेंट्रिक स्ट्राइज जो होता है ग्रिड तरह के, जैसे आपने सी शेल्स देखे होंगे, बहुत सारे सी शेल्स जो मार्केट में कभी अवेलेबल हुआ करते हैं, कभी की चेन्स के साथ मिलते हैं या बाकी चीज़ों के साथ डिज़ाइन विज़ाइन उनका होता है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लाते हैं, उन शेल्स को जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। तो लेकिन हम जो ये ब्रैचिपोडा का जो शेल होता है, इसके बारे में जो स्ट्रेटिग्राफिकल रेंज के बारे में पढ़ते थे, इसका मैंने जो बताया सिट्रेट फॉसिल गैंजुकी का है, और जो बाकी चीज़ें हैं दो तीन सेल्यूलर डिवेन ऑर्डोविशियन पीरियड्स में इसकी डेवलपमेंट हो चुकी है टेरिशरी रॉक्स के एज में, या इनका जो एक्सटेंशन हुआ है परमियन और ट्रायसिक में हुआ है। लार्जेस्ट मॉडर्न ब्रैचिपोडा की जब हम बात करेंगे तो 100 मिलीमीटर लॉन्ग या लेंथ बताएंगे है इसकी, और 540 मिलियन साल पहले इनका वजूद हुआ है। दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द ऑर्नामेंटेशन एंड सिंपल टॉपिक वाज दिस ऑर्नामेंटेशन एंड स्ट्रेटिग्राफिक रेंज ऑफ शेल ब्रैचिपोडा। दिस इज एक्चुअली द प्रीवियस क्लास एंड दिस क्लास इज ओनली अ सिंपल one topic, but I have divided into two simpler topics in two classes. So this was all about this today's class.